हेरी किचन डॉट कॉम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ वड़िया री और सुवादाना का मुखवास। तो बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। मैंने एक बाउल वड़िया री ली है और आधे से छोटे बाउल सुवादाना लिया है। अब दोनों में नमक ऐड कर देते हैं। वड़िया री को सोफे के बीज भी बोलते हैं। अब दोनों में हल्दी पाउडर ऐड कर देते हैं। दोनों में हम एक एक चम्मच नींबू पानी ऐड कर देते हैं। अब दोनों में हम एक से डेढ़ चम्मच पानी ऐड कर देते हैं। पहले हम वड़ियारी को मिक्स कर लेते हैं। वड़ियारी अच्छी तरह से मिक्स हो गई है तो अब हम सुवा को मिक्स कर लेते हैं। अब सुवा भी अच्छी तरह से मिक्स हो गया है तो अब चलते हैं हम गैस की ओर। हमने गैस पर एक पैन लिया है और वड़ियारी को ऐड कर देते हैं और वड़ियारी को हम अच्छी तरह से गून लेते हैं। वड़ियारी को हम स्लो फ्लेम पर इसी तरह गूनते रहेंगे। वड़ियारी का जब तक कलर चेंज हो जाए तब तक हम इसी तरह गूनते रहेंगे। वड़ियारी का कलर चेंज होने में करीब करीब 2 मिनट का वक्त लगेगा। वड़ियारी को सौंफ के बीज भी बोलते हैं। वड़ियारी का कलर अच्छी तरह से चेंज हो गया है तो अब हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। वड़ियारी को हमने एक प्लेट में रख दिया है और अब हम सुवा को गून लेते हैं। सुवा को भी हम वड़ियारी की तरह स्लो फ्लेम पर ही सेक लेते हैं। सुवादाने को हम करीब करीब 2 मिनट तक सेकेंगे जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए तब तक हम इसी तरह इसे गूंथते रहेंगे। सुवादाना भी हमारा सेककर तैयार हो गया है तो इसे भी हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। वड़ियारी और सुवादाना को हम इसमें ही ऐड कर देते हैं और इसे मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें दाणादार 2 चम्मच ऐड कर देते हैं और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। और इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। तो तैयार है हमारा सुवादाना और वड़ियाली का मुखवास। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये आप कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें, लाइक करें और हेरिस किचन को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।